नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम असमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त और आज हम बात करेंगे नेट पेपर वन यूनिट वन टॉपिक जो है इसका लास्ट कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जो है, ठीक है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, और इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा था कि इसके पहले जो हमने जो वीडियो डाला था वो शायद लास्ट टॉपिक हो, लेकिन लास्ट टॉपिक ये है, बस अब यूनिट वन का लास्ट टॉपिक है और ये अभी समाप्त हो गया। इसके बाद अब हम कंप्यूटर बेस्ड के बाद हम अगली यूनिट्स पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज विज्ञान जो है इतनी उन्नति कर चुका है कि इस युग को विज्ञान का युग कह सकते हैं। ठीक है, विज्ञान की वजह से ही मानव का जो है जीवन जो है वो सुख सुविधाओं से युक्त हो पाया है, और विज्ञान के कारण ही चिकित्सा, उद्योग, व्यापार के क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान की वजह से ही जो है बहुत प्रगति हुई है, और इसी का एक विशेष प्रकार है ऑनलाइन परीक्षा। ठीक है, ये भी विज्ञान की ही देन है। ऑनलाइन परीक्षा के बहुत सारे फायदे भी हैं जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा का मतलब हम समझते हैं कि घर बैठे आपको इंटरनेट के माध्यम से एग्ज़ाम देना है, तो उसी को हम कहेंगे ऑनलाइन परीक्षा। या फिर आपको घर बैठ के नहीं भी देना है तो आप जो है सेंटर आपको दिए जाएंगे, वहाँ पर आप जाएंगे, लेकिन किसी प्रकार का आपको जो है लिखित परीक्षा जो होती थी पहले, उस प्रकार की परीक्षा आपको नहीं देनी है। सामने आपकी सिस्टम होगा, कंप्यूटर होगा, और उस पर ही प्रश्न आएंगे स्क्रीन पर, और वहीं आपको सॉल्व करने हैं और वहीं आपको सबमिट करके आ जाना है। तो इसको कहेंगे हम ऑनलाइन परीक्षा। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा सबसे पहले तो सुरक्षित है ये, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जो है बहुत सुरक्षित है, और बहुत सारे प्रश्न अपलोड करने के बाद सॉफ्टवेयर जो है उन प्रश्नों में फेरबदल करके छात्रों को दिए जाते हैं, इसलिए शिक्षकों को पेपर लीक होने जैसी समस्याओं का सामना बिल्कुल इस पर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रक्रिया छात्रों को नकल करने से भी रोकने में सक्षम है, क्योंकि छात्र जिस पेपर के हिसाब से जो है वो क्रम बना के आंसर्स का क्रम बना के लेकर गया होगा, और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है उन प्रश्नों के क्रम को बदल देगा, तो उसके आंसर भी गलत हो जाएंगे, तो इसमें नकल तो कर ही नहीं सकते। साथ ही साथ यदि छात्र नकल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो कंप्यूटर के द्वारा उसको जो है चेतावनी भी दी जाएगी। अब ह्यूमन जो होता है उससे तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आदमी अगर कोई इन्विजिलेटर है उससे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सॉरी सर अब नहीं करूँगा, लेकिन कंप्यूटर तो एक बार दो बार चेतावनी देगा फिर वो अपने आप बंद हो जाएगा, क्या रिक्वेस्ट करेंगे उससे। तो तीन चेतावनियों के बाद जो है छात्र की परीक्षा जो है समाप्त कर दी जाएगी, तो इसलिए जो है इसमें नकल करने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, और हम एक कहेंगे कि एक निष्पक्ष जो है परीक्षा जो है यहाँ से आयोजित की जाती है ऑनलाइन तरीके से। त्वरित परिणाम प्रसंस्करण होता है, मशीन है, ठीक है, सही किया तो मशीन जो है उसको सही में डालेगी, गलत किया तो गलत वाले ऑप्शन में डालेगी, तो एकदम आपका जो है वहीं पर जो है परीक्षा का परिणाम भी आ जाता है। एक ऑनलाइन परीक्षा में अंकों की गिनती तुरंत और सटीक रूप से की जाती है, यह पारंपरिक परीक्षाओं में बिल्कुल संभव नहीं है। इसकी वजह से पारंपरिक परीक्षाओं के परिणाम जो हैं उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, और ऑनलाइन परीक्षा का इस्तेमाल करके आप अपनी परीक्षा के परिणाम जल्दी ही पा सकते हैं और बहुत सारा समय आप बचा सकते हैं इसका इससे। साथ ही साथ इसकी लागत भी कम है, ठीक है, आज भी महाविद्यालयों और पाठशालाओं में परीक्षाओं की लागत जो है बहुत अधिक होती है, और प्रश्न और उत्तर पत्रिकाएं छापने से लेकर के परिवहन जो लागत है, उसके बाद परिवहन लागत तक एक परीक्षा आयोजित करने के लिए महाविद्यालय को बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ता है। तो ऑनलाइन परीक्षा जो है इसकी वजह से क्या हो गया है, अतिरिक्त खर्चों में कटौती हो जाती है, और परीक्षा का संचालन जो है वो पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। जब आप विभिन्न स्थानों पर कई उम्मीदवारों के लिए जब आप परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, तो खर्चे कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही फायदेमंद प्रक्रिया जो है वो है ऑनलाइन परीक्षा। प्रश्न पत्र बनाना, ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न पत्र बनाना बहुत ही आसान होता है। पारंपरिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र बनाना कठिन कार्य है, शिक्षकों को खुद प्रश्न चुनकर उसे प्रश्न पत्र के रूप में बदलना ढालना पड़ता है, और इस कार्य में बहुत समय लगता है और गलतियों की संभावना भी अधिक ज़्यादा होती है। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में क्या होता है, आप सभी तरह के प्रश्न अपलोड कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया से पेपर के लीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। प्रवेश से जुड़े विश्लेषण की यदि हम बात करें, तो परीक्षा के बाद उसका विश्लेषण जो है वह भी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव है। आप व्यक्तिगत प्रदर्शन और पूरे समूह के प्रदर्शन का विश्लेषण बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्षेत्र के आधार पर भी डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, और यह विश्लेषण जो है आपको एक बेहतर निर्णय लेने में मदद भी करते हैं। साथ ही साथ आसान संचार है इसमें कि ऑनलाइन परीक्षा
की प्रक्रिया से विद्यार्थियों के साथ संपर्क में रहना बहुत आसान हो जाता है। फॉर्म भरते समय छात्रों से उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये सब कुछ लिया जाता है और सारी एडमिशन यानी कि एग्ज़ाम से संबंधित सारी जो जानकारी है वो इन्हीं दो तरीकों से विद्यार्थियों को दी जाती है। उन्हें SMS और ईमेल के द्वारा सूचित कर दिया जाता है। नहीं तो आप, अभी भी याद है कि उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम होते थे, UTET के, CTET के, वो आपके घर पे वो पोस्ट करते थे, वहाँ से तब जाके घर पे एडमिट कार्ड आता था और उसमें हमारा सेंटर लिखा होता था। लेकिन अब ऑनलाइन हो गया तो सब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ यहाँ पर सूचना मिल जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से। एक है ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग, ठीक है। ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निरीक्षक को स्वयं परीक्षा केंद्र में होने की ज़रूरत नहीं होती है। वह अपने कंप्यूटर पर अलग अलग स्क्रीन पर जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उनको देख सकता है, ठीक है। मतलब वेब कैमरा वहाँ पर होता है और इंटरनेट की सुविधा वहाँ पर होती है और उस इन दोनों की सहायता से परीक्षा आयोजित की जाती है। और इसके फायदे की यदि हम बात करें तो सबसे पहले कि प्रबंधन बड़ा आसान हो जाता है, मैनेजमेंट मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। पारंपरिक परीक्षाओं में एक निरीक्षक का होना बहुत आवश्यक है, कम से कम एक निरीक्षक, हालांकि दो तीन होते हैं। एक निरीक्षक लगभग 30 से 50 कैंडिडेट्स पर एक परीक्षा के दौरान नज़र रख सकता है, मगर इसमें बहुत समस्याएं भी होती हैं। 1000 से ज़्यादा छात्रों के लिए आपको 25 से ज़्यादा निरीक्षकों की आवश्यकता भी पड़ती है पारंपरिक उसमें। और उसके अलावा निरीक्षक को परीक्षा केंद्र तक यात्रा भी करनी पड़ती है, वहाँ पर आना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग द्वारा ये समस्याएँ सुलझाई जा सकती हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है, फिजिकल प्रॉक्टरिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। कैमरे लगा दीजिए आप, सब कुछ मैनेज हो जाता है। परीक्षा के समय निरीक्षकों का मिलना उनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। कई शिक्षकों के लिए परीक्षा केंद्रों तक जाना संभव नहीं होता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से निरीक्षकों को परीक्षा केंद्रों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह कहीं भी बैठकर इंटरनेट के द्वारा और कंप्यूटर की सहायता से जो है निरीक्षण कर सकते हैं। उसी तरह छात्रों को भी मीलों यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है, घर बैठे जो है अपनी परीक्षा को दे सकते हैं। अगला इसका जो फायदा है वो है परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता नहीं होती है। महाविद्यालयों के लिए परीक्षार्थियों के पास में परीक्षा केंद्र ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है, एड्रेस नहीं मिल पाता तो पेपर छूट जाता है। उससे संबंधित जानकारी भी छात्रों तक पहुँचाने का अलग समस्या है, और किसी दूसरे शहर में यदि है तो वहाँ पर जाना है, रहना है, कैसी समस्याएं हैं। लेकिन ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग जो है इस इन सभी समस्याओं को खत्म कर देता है। महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इस वजह से उनका खर्चा भी बढ़ जाता है, बच्चा घर बैठ के अपना पेपर देता है। साथ ही साथ परीक्षा का समय तय करना, यदि आप पारंपरिक परीक्षाओं को देंगे तो दोगे तो 9:30 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक है, 12:30 बजे ही खत्म होगा, ना पहले शुरू होगा ना इसके बाद तक आपको समय दिया जाएगा। लेकिन इसमें तो ऑनलाइन है तो यदि आप 10 बजे शुरू करते हैं तो करेक्ट 3 बजे, 3 घंटा, वो 3 घंटे में मशीन जो है अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। जब आप शुरू करोगे एग्ज़ाम को, जब आप अपना एनरोलमेंट नंबर उसमें डालोगे, एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम इनिशियल एनरोल नंबर जब डालोगे तो वहाँ से जो है समय आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से पारंपरिक परीक्षाओं में छात्रों का समय और उनकी जगह तय करनी पड़ती है, और इस वजह से क्या होता है, गलतियाँ और गलतफहमियों की संभावना बढ़ जाती है, और छुट्टियों का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। और ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग की वजह से आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप गांव जाना चाहते हैं जाइए, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन गांव में कहीं पर बैठ जाइए, आप तो इंटरनेट सब जगह है, अपनी परीक्षा दीजिए और छुट्टी का मज़ा भी लीजिए। तो सब कुछ जो है टेक्नोलॉजी और वेब कैमरा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। परीक्षा सुरक्षा भी इसमें एक बहुत बड़ी सुविधा है, विशेषता है कि परीक्षाओं में यदि एक निरीक्षक हो तो छात्रों को नकल करने के अभूतपूर्व मौके मिल जाते हैं। बहुत सी बार दूसरे लोग छात्र के स्थान पर आकर परीक्षा दे देते हैं, ठीक है। इन सबको खत्म करने के लिए ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग जो है एक बहुत अच्छा उपाय है। ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग के समय छात्रों की फ़ोटो खींची जाती है, वीडियो भी रिकॉर्ड की जाती है, और यदि कोई छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी परीक्षा जो है निरीक्षक उसी समय खत्म कर देता है। और इस वजह से ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग जो है बहुत सुरक्षित है और निष्पक्ष है, ठीक है। तो आज हमने ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बारे में जाना, ठीक है, विस्तृत रूप से जाना। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट यूनिट जो है इसकी वो समाप्त हो चुकी है, और अब अगली वीडियोस में हम इसकी जो सेकेंड यूनिट है या अगली जो यूनिट्स हैं जिसमें कि लॉजिक के बारे में, तर्क शास्त्र के बारे में, युक्ति क्या होती है, ठीक है, प्रमाण क्या है, हेत्वाभास क्या है, ये सब जो जिस यूनिट में लगे हुए हैं, या फिर शोध क्या है, शोध के विषय में इसके अगले टॉपिक में पूछा गया है, तो उनसे संबंधित वीडियोज़ को मैं यहाँ पर बनाऊँगा और डालूंगा। आप कोई वीडियो कैसी लग रही है, फ़ायदेमंद है या नहीं है, अपना कमेंट जरूर दीजिए, और उसके माध्यम से बताइए कि, और आप अपने सुझाव जरूर दीजिए और शेयर कीजिए इनको अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं और मेहनत से इनको बनाऊँ, निर्माण करूँ इनका और आप तक पहुँचाऊँ इन वीडियोज़ को, ताकि आपके नेट परीक्षा में जो है आपके काम आ सके।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।